आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वॉल माउंटेड फोल्डिंग स्टडी टेबल की, जो मैंने अमेजोन से मंगाया था 31.5x8 18 इंचेस का। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। यहाँ से काटते हैं इसे, पूरा काटते हैं और देखते हैं कैसे निकलता है। कली आया है मेरे पास, इसमें टैबलेट रखने का भी है पूरा, इसमें कप भी रख सकते हैं। अच्छा लगा है मुझे, 2000 का पड़ा था अमेजोन से। बाकी अभी इसे फिट करके देखते हैं। ये ऐसा दिखता है, अभी इसे फिट करके दिखाऊंगा मैं आपको। इसमें जो है टैबलेट लगा सकते हैं, अटका सकते हैं, तो बैठ के पूरी मूवी देखो, एंजॉय करो, पढ़ाई वढ़ाई करो जो भी है। इसमें कप रख सकते हैं। बाकी पीछे बढ़िया दिया ऐसा मैं, पीछे इसमें ये दे रखते हैं स्टैंड लगेंगे दीवार पर ड्रिल करके। मेरे को लग रहा है पेच भी, हाँ ये रहा पेच भी दे रखते हैं इसमें, ये भी लगाऊंगा मैं। चलो फिट करते हैं, अभी फिट करके तब दिखाऊंगा मैं आपको कैसे कैसे फिट होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैंने इस टेबल के को खोल लिया है और इसमें जो इस ये जो स्क्रू मिले थे, तो अब इसे फिट करते हैं। मैंने ये जो इसमें राउंड राउंड दे रखा है, ये जो इसमें टेबल में राउंड राउंड दे रखे हैं छेद, तो इसको मैंने रख के दीवार पे टेबल को रख के और फिर पेन से मार्क कर लिया है, ये देखो। और अब हम फिर इसमें पहले ड्रिल करेंगे, फिर उसमें प्लास्टिक रख के हथौड़े से ठोक के फिर टेबल लगा के फिर इसमें स्क्रू टाइट कर देंगे और फिर हमारा टेबल लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जब आप ये खुद टेबल लगाएंगे तो आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए, टूल्स वगैरह। इसमें आपको ड्रिल मशीन दिख रही होगी, ये होनी चाहिए आपके पास। और ये मैं बताना भूल गया था, ये जो खोल के इसमें पेन भी रख सकते हो आप इस टेबल में, बाकी इसमें टैबलेट वगैरह तो रख ही सकते हो, कप वगैरह। और ये ड्रिल मशीन आपके पास होनी चाहिए और इसकी जो नोज़ल होती है वो पेनी वाली ही हो, नहीं तो छेद नहीं होगा दीवार में, ठीक है। पेनी वाली होनी चाहिए नोज़ल, नहीं तो मैं तो कहूँगा कारपेंटर से लगवा लेना, 200 रुपये में लगा देगा। और ये पेचकस होना चाहिए, इसमें अलग अलग तरीके के पेच लगते हैं, तो ये ऐसे वाला जो है पेचकस, इससे लगते हैं ये वाले पेच जो आगे लग रखता है इसमें, तो ये अलग अलग तरीके के पेच लगाने के होना चाहिए टूल्स, पेचकस ऐसा। बाकी तो ये देखो, ये प्लास्टिक और ये जो पेच आया था इसके साथ, ये बड़ा बेकार क्वालिटी का है, तो मैं मार्केट से लेके आया था बढ़िया वाले, ठीक है। तो आपको भी लाने हैं, नहीं तो ये टेबल गिर जाएगी नीचे। और पहले तो ये टिकी हुई थी टेबल, फिर बाद में जो है ये नीचे गिर गई थी, फिर मैंने दोबारा लगाई थी टेबल। अब आगे देखोगे ना वीडियो में तो उसमें देखोगे तो बहुत सारे छेद हो रखे होंगे दीवार में, तो इसलिए मैं तो एक तो कहूँगा कि जो ड्रिल मशीन हो तो उसमें पैना होना चाहिए, नोक आगे जो होती है इसकी नोज़ल की, और हथौड़ा वगैरह होना चाहिए आपके पास। और इसमें जब आप देखो, जब आप इसमें खींचोगे ये जो ये चीज़ दे रखी है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे, तो ये टेबल बंद हो जाएगी। अब जैसे घर में कोई फंक्शन हो तो टेबल बंद करना हो, जगह की ज़रूरत हो, तो आप टेबल बंद भी कर सकते हैं। अब आगे दिखाऊंगा मैं आपको कैसे ये टेबल बंद कर सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पे दोनों हाथ लगा के इसे खींचना है, बस हल्का सा खींचना है और ये बंद हो जाएगा। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप कारपेंटर से या फिर बिजली वाले से लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी देखता हूँ इसे बंद करके,
हो जाओ बंद। देखो दोस्तों ऐसे बंद भी हो सकता है, ऐसे बंद हो सकता है, और जगह की कमी पड़ रही हो, कोई फंक्शन वंक्शन हो घर में किसी के लग जाती है, तो ऐसे करके आप बंद भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों लग गया अभी ये टेबल। अब इसमें देखो यहाँ पे हम इसमें पेन वैन भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम इसमें रख सकते हैं कप वगैरह, ग्लास वगैरह, और यहाँ पे टैबलेट रख सकते हैं। और नीचे से इसके देखो ऐसे दिख रहा है, और इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, तो आप इसे फोल्ड भी कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे इसने दे रखा है, इसे खींचोगे दोनों तरफ से नीचे डंडों में, और इसे यूँ प्रेस करोगे तो ये फोल्ड भी हो जाएगा, इसे बंद कर दो। ठीक है ना दोस्तों, बड़े काम की चीज़ है, इसमें पढ़ लो, इसमें ऑफिस का काम कर लो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, बच्चों के लिए ठीक है। ताकि इसे दोबारा खींचने और ये ऊपर ऐसे सेट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अभी मैं इस पर सामान रख के दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। दोस्तों देखो ये इसका फाइनल लुक टेबल का, यहाँ पे देखो लैपटॉप रखा है, यहाँ पे कप है, और यहाँ पे पेन रखने का है, अभी मैंने रखा नहीं है, बुक्स रख सकते हैं, और यहाँ पे टैबलेट भी लगाने का है। ठीक है दोस्तों, बड़े काम की चीज़ है, अमेज़ोन से मंगाया था मैंने वॉल माउंटेड फोल्डेबल स्टडी टेबल, 31.5x18 इंच का था ये, और ठीक है इतना तो चाहिए होता है, नहीं तो फिर वो छोटे छोटे आ रहे थे, इतने ही साइज़ का ही मंगाना अब भी। पर मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास टूल्स नहीं है, जैसे कि ड्रिल मशीन नहीं है और पेचकस नहीं है, जिसमें अलग अलग तरीके के होते हैं पेच लगाने के, और फिर खुद लगाओगे भी तो ऐसा हाल भी हो सकता है, जगह जगह छेद हो सकते हैं दीवार में, बहुत दिक्कत आती है, नहीं तो आप कारपेंटर बुला कर भी लगवा सकते हैं, वो ले लेगा आपसे ऐसे ही 100 रुपये तक ले लेगा, या 200 रुपये तक काम कर देगा सारा। ठीक है दोस्तों, ये था इसका प्रोडक्ट का रिव्यू। दोस्तों चाहे तो आप बिजली वाले को बुला के भी लगा सकते हैं, वो आपको बल्कि नज़दीक में जल्दी मिल जाएगा, आपके आसपास ही होते हैं, कारपेंटर तो ढूंढना पड़ता है दुकान वगैरह, बिजली वाला कम रेट में भी कर देगा आपका काम, कारपेंटर थोड़ा ज़्यादा पैसे भी ले सकता है इस चीज़ के। ठीक है दोस्तों,